एवरीवन, तो हम फिर से आ चुके हैं अपने इमोर्टल किंगडम में और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रिज, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उधर से इधर जाने में। बस पानी में तैरना होता है पर फिर भी हमें तकलीफ़ होती है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रिज, सिंगल ब्रिज, वो भी थोड़ा सा ऊँचा रखेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे शिप विप कोई आए बाई चांस तो वो निकल जाए ऐसा कुछ नहीं होगा, पर फिर भी थोड़ा सा ऊँचा रखेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा एरिया को गिन लेती हूँ और थोड़ा सा सामान जमा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने गोबल स्टोन को स्मेल्टोन रख दिया जिससे हमारे पास स्टोन आ जाए, स्टोन से हम स्टोन ब्रिक्स बना लेंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है और उनको भी बनाते हैं, पहले सो जाते हैं, रात हो चुकी है, अभी रात नहीं हुई। वैसे आप ज़रूर बताना आपको अभी तक मेरा वर्ल्ड कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बस मन करता है देखती रहूँ वर्ल्ड को, इतना प्यारा लगता है। अभी तो हम इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देंगे, और जो मैंने स्टार्टिंग में वहाँ छोटा सा हाउस बनाया है ना उसको बिल्कुल नहीं हटाएंगे, वो वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम स्टार्टिंग में सबसे पहले दूसरे दिन में बनाया था, वो वैसे ही रहने देंगे मेमोरी के तौर पे। तो हमारे गोबल स्टोन स्मेल्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा और सामान जमा करते हैं और फिर अब बनाने के लिए चलते हैं। इनको स्मेल्ट हो जाने देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर जाती हूँ तो ये स्मेल्ट होने बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या। पर एक बार क्या हुआ कि मैं इनको स्मेल्ट होने रखने गई और मैं ऐसी सैंड वगैरह जमा करने गई, क्योंकि इस बिल्ड में हमें सैंड बहुत सारी चाहिए, तो फिर वो स्मेल्ट ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा और सामान बना लूँ, ये स्मेल्ट हो जाए तो थोड़े से ब्रेक वाले भी चाहिए होंगे हमें डेकोरेशन के लिए, तब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम दो का गैप रखे हैं, दो का अच्छा नहीं लग रहा, तीन का गैप रखते हैं जो थोड़ा सा चलने के लिए भी जगह मिले, तो तीन का गैप रख लेते हैं और अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अबे चैनल पर नए आए हो और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, और उसके अलावा लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर दो, कि अभी तक कमेंट में खैर क्या ही लिखोगे, कोई बात नहीं तो कमेंट भी कर ही देना। उसके अलावा अब हम जल्दी से सब बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सोचा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर अब मुझे फाइनली एक डिज़ाइन समझ में आ गया है तो अब उसे बनाते हैं। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टोन गोबल स्टोन जमा कर लिए थे और उन्हें स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया है, और अब यहाँ से ऐसा करके हमें लेके जाना है बार बार और फिर इनको ज्वाइन करना है। अभी अभी मैंने देखा कि पीछे से रेड वाले लोग आ रहे थे और हमें बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, तो मैं जाकर सो के आ चुकी हूँ। अब हमें यहाँ पर एक होल बनाना है। अब आप पूछोगे होल किस काम का है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मैं ऐसे करके इतने सारे मुझे वाटर वाले ज़ॉम्बी मिले, काश एक आध ट्राइडेंट मिल जाता तो मज़े ही आ जाते, वैसे इतने आसानी से मिलते नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं, खैर ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है जहाँ तक मैंने देखा है। मैंने आज तक कभी ट्राइडेंट लिया नहीं है, ये मेरी पहली सर्वाइवल सीरीज़ है इस वजह से। तो अब मैं थोड़ा सा और चीज़ें बना लेती हूँ और इसको हम कवर कर देंगे स्टोन, मतलब जो गोगल स्टोन ब्रिक्स हैं, हाँ स्टोन ब्रिक्स हैं उनके स्लैब से। पर मैंने अभी तक क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं बनाई, तो पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। मैंने इतनी सारी क्राफ्टिंग टेबल बनाई है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, कहाँ खो जाती है, दोबारा बनानी पड़ती है, हर एपिसोड में नई बनानी पड़ती है। तो अब थोड़ा सा स्लैब्स बना लेते हैं और फिर उन्हें भी लग प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्लैब्स बन चुके हैं, अब इन्हें प्लेस कर देते हैं। और मेरे वर्ल्ड में इतनी बारिश होती है, बस हर वक्त बारिश होती रहती है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो आधे टाइम पे बारिश हो रही होती है, फिर रुकना पड़ता है कि ये सीन काट देंगे, कोई नहीं बारिश में अच्छा वो नहीं आएगा व्यू, पर हर वक्त बारिश होती रहती है। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा, हाँ इतना भी नहीं गिरना था। अब ये पूरा हो चुका है, अब इसको भी थोड़ा बहुत कवर कर देते हैं, डर्ट वगैरह ले लेते हैं और अब यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं, तो मेरे को छोटा मोटा आइडिया हो जाए कि कितना है यहाँ पर। यहाँ से हम इसको लाइन खींच देते हैं, इसको चलो अब मैं देख करती हूँ। उसके बाद मैंने को आइडिया अच्छा नहीं लगा तो मैंने थोड़ा सा क्या करा, आइडिया में चेंज किया। फिर मुझे ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी दिखा तो मैंने सोचा कि क्या पता मिल ही जाए, तो मैंने उसको खींचना शुरू कर दिया, और शायद से नहीं मिला, नहीं तो अचीवमेंट मिल जाती, कोई नहीं हमें मिल गया, मेरे माइनक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, अचीवमेंट नहीं आई, पर हमें ट्राइडेंट मिल चुका है, मुझे इस बात का पूरी पूरी खुशी है इस बात की। अब मैं इसे जल्दी जाकर अपनी चेस्ट में रख देती हूँ, क्या पता कोई मार दे मेरे को। ओके, पहले सो जाते हैं और अब इसको रख देते हैं चेस्ट के अंदर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पास एक ट्राइडेंट है, वो भी बिना किसी स्ट्रगल के, पर इसकी जो HP है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको अभी रख ही देते हैं। इसमें मेंडिंग वगैरह लगानी पड़ेगी, अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है हमारे वर्ल्ड में। जो जो नया आया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसकी पुरानी वाली सीरीज़ ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें करनी है हमने उन सीरीज़ में भी। अब जैसा प्लान चेंज हुआ था उसके हिसाब से हमें ऐसे ऐसे बनाना है, तो इसको भी अब कंप्लीट कर देते हैं और इस वाले एरिया को भी डेकोरेट करना होगा हमें। ये होल है पर एक काम की चीज़ है, हम अंडरग्राउंड भी कुछ बनाने वाले हैं। अभी बहुत से लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं किस बारे में कह रही हूँ, पर जिनको नहीं लगा वो वीडियो देखो, उन्हें भी पता चल जाएगी। उसके अलावा मैंने ये भी ठीक कर दिया है और अब यहाँ से भी इसको ऐसे ही डिट्टो बना देते हैं, और वहाँ से भी हमें ऐसे डिट्टो ही बना दिया है मैंने भी,
और अब यहाँ से भी कंप्लीट कर देते हैं। और मैं इतनी बार गिर रही हूँ और मुझे एक और ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी मिला और मैंने इसमें हाथ मार दिया और सच में इस वाले ने भी ट्राइडेंट दे दिया। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने अपनी हार्ट्स को देखा ही नहीं और ऑब्वियसली बात है मैं मर गई। फिर मैं भाग के गई और फिर मैंने सोचा मेरा सामान डिस्पॉन ना हो जाए, इसलिए मैं भाग कर गई। ओके मैं मरती मरती बच गई और अब मेरे को जाकर जल्दी से मेरे ट्राइडेंट को उठाना है क्योंकि बहुत काम की चीज़ है और मुझ पर दो दो हो चुके हैं। अब हम इस एक को मारने की तरह और एक को लाइटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी से अपना सारा सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके तो सर कलेक्ट कर लेते हैं और फाइनली मुझे मेरा ट्राइडेंट मिल चुका है। पर उसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि उसमें HP कम है, मजाक कर रही थी। तो अब उसको भी जाकर रख देते हैं। हम पे दो दो ट्राइडेंट हो चुके हैं बिना किसी स्ट्रगल के, वो भी एक ही वीडियो में। बस आज का दिन सबसे ज़्यादा लक्की था, मुझे तो लग रहा है ये वर्ल्ड ही बहुत लक्की है क्योंकि हमें डायमंड्स इजीली बन गए, मिल गए थे और हमारे बहुत सारी चीज़ें इजीली हो गई थी। ओके तो मैंने सारा बना दिया है बिना किसी ब्रेक के। मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि मैंने ब्रेक के बाद आते हैं, मैंने डायरेक्ट बना दिया। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया, बीच बीच में मैंने थोड़े से ट्रैप डोर्स लगाए हैं और साइड में मैंने भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया है। और द मेन थिंग अंडरग्राउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अंडरग्राउंड भी बनाएंगे और इसे ऊंचा रखेंगे। आप कहोगे ऊंचा, अरे शिप को जाने के लिए जगह चाहिए थी इसलिए ऊंचा रखा था। नहीं, गलती से बन गया, इतना ऊंचा बनाना नहीं था। ठीक है तो ये अंडरग्राउंड है, इसको भी डेकोरेट करेंगे। अंदर से जाके हमें मिलेगा एकदम ब्यूटीफुल सा वाटर व्यू। तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। खैर यहाँ पर कोई डॉल्फिन कोई फिश नहीं है, कोई बात नहीं, हम सहलेंगे थोड़ा और। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से निकलने दो भाई, अब यहीं रख लोगे, इतना सुंदर है मान लिया। ओके ठीक है, तो आपको ये मेरा कैसा लगा, एकदम ब्यूटीफुल सा ब्रिज जो कि ठीक ही ठाक था। और ये पिछली वीडियो में हमने एक ट्री हाउस बनाया था, आपने कमेंट्स में बता दिया होगा मेरे हिसाब से कि आपको ये हटाना है या फिर रखना है। अगर आप कहोगे तो हम इसे हटा देंगे और नहीं कहोगे तो इसे रख लेंगे। अब बाय बाय कहते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर देना, मैं समझ जाऊँगी वीडियो अच्छी लगी है आपको, आपको कमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।